जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हम भारत और प्राचीन भारत की हम पूरी श्रृंखला कंप्लीट करेंगे और आज हम देखने जा रहे हैं इसका पहला लेक्चर। और जो पहला इसका लेक्चर है साथियों, वो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। बेसिकली इतिहास को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की बात करें साथियों, तो किसी भी समय के इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, बेसिकली दो ही होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। पहला स्रोत क्या होता है? पहला स्रोत होता है सदैव साहित्य, ठीक है। किसी भी समय के बारे में आपको जानना है तो सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? साहित्य है। आप उस समय का साहित्य पढ़ लो। अब अगर कोई व्यक्ति मान लो अकबर के बारे में जानना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अब आगरा जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करे? वो आईने अकबरी पढ़ ले। आईने अकबरी पढ़ लेगा, अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल उसके साथ रहते थे अकबर के, तो उससे उसको एक मोटा मोटा आकलन मिल जाएगा कि अकबर के समय में समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, सारी चीज़ें कैसे चल रही थी, उसको एक आइडिया लग जाएगा, उसको मोटी मोटी समझ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी समय का इतिहास जानने का पहला सोर्स है हमारे पास साहित्य। दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है साथियों पुरातात्विक स्रोत, ध्यान रखना, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग होती है, जो खुदाई में मिली चीज़ें होती हैं, उन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जब आपके पास कोई लिखित सामग्री मौजूद नहीं होती है, उस समय में पुरातात्विक खोजों से ही इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास लेखन की चीज़ है, इतिहास को पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो इतिहास को जानने के मैंने आपको दो स्रोत यहाँ पर बताए, अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं, लौकिक ग्रंथ हैं, और विदेशी यात्री जो इंडिया में आए उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, खुदाई में मिली वस्तुएं, जैसे क्या? अभिलेख हो सकते हैं प्राचीन भारत के, सिक्के हो सकते हैं, मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड होते हैं साथियों मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मोहरें क्या होती है? मोहरें सील होती हैं, इस तरीके से जैसे पशुपतिनाथ की सील मिली थी इंडस वैली में। मूर्ति या चित्रकला हो सकता है, या बने हुए स्मारक हो सकते हैं। ये है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं यहाँ पे, ठीक, जो जो पांडुलिपियाँ हैं उनसे प्राप्त हमें हुए हैं, देख सकते हो आपने यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे साहित्यिक स्रोतों में, अगर हम और आगे बढ़ें तो साहित्यिक स्रोतों में हमें दिखाई देते हैं क्या? धार्मिक ग्रंथ, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है? अब देखो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैन साहित्य वो हैं जो जैन धर्म से जुड़े हैं, बौद्ध साहित्य वो हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य होते हैं साथियों वे साहित्य जो वेदों से जुड़े हैं, ठीक है ना। वेदों की व्याख्या जो है वो ब्राह्मण साहित्यों में ही मिलती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी हैं आपके जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। और अगर हम आगे देखें तो और आपको ब्राह्मण साहित्यों में क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए जरा। ब्राह्मण साहित्यों को और अगर डिटेल में हम देखें तो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, सूत्र हैं, महाकाव्य हैं और धर्मशास्त्र हैं। वेद तो आप लोगों को पता ही है, चार वेद हैं हमारे पास, ठीक है। ब्राह्मण क्या है? वेदों की व्याख्या है। आरण्यक क्या है? आरण्यक वे ग्रंथ होते हैं जो कि जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं और एकांत में बैठकर ही इनका पठन पाठन, या देखिए आरण्य का मतलब ही जंगल होता है। आरण्य जो है ये आरण्य का पर्यायवाची है जिसका अभिप्राय जंगल से ही होता है। तो ऐसे ग्रंथ जो एकांत में लिखे जाते हैं और इनका अध्ययन भी एकांत में होता है, इनको कहा जाता है आरण्यक। उपनिषद क्या है? उपनिषद है हमारे 108, ध्यान रखना, ठीक। उपनिषद क्या है? उपनिषद की विषय वस्तु है पढ़ाई लिखाई की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य का गुरु के समीप जाकर के ज्ञान हासिल करना या बैठना, तो बेसिकली शिक्षा के बारे में है ये। वेदांगों की बात करें तो वेदांग है हमारे पास 6। वेदांग क्या है? वेदांग वे वैदिक साहित्य होते हैं जिनका अध्ययन आवश्यक होता है वेदों को समझने के लिए।
यानी अगर आप वेदों को समझना चाहते हैं तो पहले आपको वेदांगों का अध्ययन करना होगा, जैसे कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये सारे के सारे हमारे वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं। जब तक आपको वेदांग की समझ नहीं होगी तब तक आपको वेद भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। महाकाव्यों की हम बात करें तो महाकाव्य तो महाकाव्य है, जैसे रामायण है, महाभारत, ये सब महाकाव्य है, ठीक है। तो ये है, ठीक। तो इनसे जो है बेसिकली हमें जानकारी प्राप्त होती है इस टाइम के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, देखो वैदिक साहित्य के चार भाग हैं, जैसा कि मैंने बताया, कौन कौन से हैं, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, ठीक। जरा और जानकारी लेते हैं, देखिए सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। ईएच कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, उससे ना कम ना ज्यादा, ठीक। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखो, इतिहास की महत्ता को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 और 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। पुरातात्विक इतिहास सामग्री की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ठीक। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन राहुल संस्कृत्यान का है। राहुल संस्कृत्यान कौन? राहुल संस्कृत्यान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ और जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी ये एक यात्रा वृत्तांत लिखने वाले व्यक्ति थे राहुल संस्कृत्यायन, और बहुत ही फेमस है, ठीक है। इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे और बाद में फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपना नाम राहुल संस्कृत्यायन रख लिया था, ठीक है। तो इन्होंने भी इतिहास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं। आगे देखो, सर्वप्रथम रोमन सम्राट अगस्टस ने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था, यानी सेंसरशिप का मतलब हुआ कि रोक लगा दी थी, इतिहास लेखन का कार्य नहीं होगा। यही काम मध्यकाल में औरंगजेब के द्वारा भी किया गया था। उसने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी। इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। जम्बूद्वीप इंडिया, हिंदुस्तान एवं इनटू हमारे देश के विविध नाम है, ठीक है। जम्बूद्वीप इसका प्राचीन नाम है, इंडिया इसको जो है नाम दिया है यूनानियों ने, हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने, और इनटू नाम इसका मिलता है। साथियों ध्यान रखना, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम है इनटू। इनटू का मतलब होता है चांद जैसा। सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसीलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम को पुकारा, ठीक है। विदेशी जो लोग थे, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोण या धनुष आकृति का था, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को कवर कराने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री लेक्चर रहेंगे आपके लिए, तो आज इनको फॉलो कर लीजिए इस चैनल को, और अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए आर ओ आर ओ की अपकमिंग परीक्षा के लिए। तो देखिए, बात करेंगे स्टोन एज की। तो स्टोन एज क्या है, पाषाण युग क्या है? तो देखिए, पाषाण युग एक ऐसा युग है जिसमें इंसानों ने पत्थरों को हथियार तथा औजारों के रूप में इस्तेमाल किया, यानी एक ऐसा टाइम जिसमें इंसान ने यूज़ किया स्टोन को एज अ टूल, ठीक है, हथियार की तरह, औजारों की तरह, जिसमें इंसान ने पत्थरों का इस्तेमाल किया, उस युग को हम कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। तो बस इतना ही है इसका बेसिक, के अगर कोई पूछे पाषाण युग क्या है, तो पाषाण युग वह युग है जिसमें इंसानों ने पत्थरों का इस्तेमाल औजार तथा हथियारों के तौर पर किया। दूसरा, यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि जो स्टोन एज है हमारा, जो पाषाण युग है, इसको प्राक ऐतिहासिक काल में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ, प्राक ऐतिहासिक युग, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्राक ऐतिहासिक युग में सम्मिलित किया जाता है पाषाण युग को। प्राक ऐतिहासिक युग क्या होता है? प्राक ऐतिहासिक युग का अर्थ है कि एक ऐसा कालखंड जिसका हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री मौजूद नहीं है, ठीक है, उसका इतिहास केवल और केवल हमें खुदाई में मिली वस्तुओं के आधार पर हमने लिखा है या उसको हमने पता किया है। तो एक ऐसा युग जिसका हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री मौजूद ना हो, उसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। पाषाण युग इसी का उदाहरण है,
ठीक है। अब सवाल उठता है कि इंसान ने लिखा क्यों नहीं, तो यार उसके लिए उस समय जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, जानवर उसको खा लेते थे, वो जानवरों को खा लेता था, तो यही उसके सामने चैलेंज है। भाई पढ़ाई लिखाई का काम आदमी कब करेगा जब उसका दिमाग शांत रहे, बेसिक बहुत नॉर्मल सी बात है ना। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपका पेट भरा है, आपको खाने की टेंशन नहीं है, आपको ये भी टेंशन नहीं है कि कल सुबह तक मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, ये भी टेंशन नहीं है ना, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि कल तुम्हारे जिंदा रहने के अवसर जो है 50-50 हैं, रह भी सकते हो या नहीं भी, तो तुम पढ़ाई करोगे क्या? नहीं करोगे। तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई ये सब सारी चीज़ें आदमी तब करता है जब वह अपने जीवन की बेसिक समस्याओं से निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने कुछ भी लिखा नहीं। अब कुछ जानकारी है जिसको हम देख लेते हैं। पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, वही जो मैंने आपको बताया वही सब है। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफाएं उनके जीवन का प्रमुख आधार थे, सही है। हाँ, इस प्रकार के मानव को क्या बोलते थे, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के मानव को बोला जाता था क्रोमोगैन, ठीक है, क्रोमोग्रैन नाम से इनको जानते थे। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, तथा शिकार और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताता था, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोहन संस्कृति है, मद्रास संस्कृति है, विन्य संस्कृति है, इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में अगर हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी स्टोन एज की शुरुआत जो है वो किसने की, या इसको दुनिया के सामने कौन लेकर के आया, तो वो है डॉक्टर प्राइमरोज, ध्यान रखना, जो इस पूरी की पूरी सभ्यता को दुनिया के सामने लेके आए। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुंगूर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्राग ऐतिहासिक औजार प्राप्त किए, यानी पत्थर के औजार प्राप्त किए स्टोन एज के, सही है। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता आती है। अब प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत तो पाषाण काल आ गया, मैंने आपको क्या बताया पाषाण काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि ऐसा समय जिसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक ऐसा कालखंड, आदि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा कालखंड जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है, बात समझना, लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सका है। यानी लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, इंसान लिखना सीख गया था इस समय तक, लेकिन उसने लिखा क्या है ये अभी तक हमें पता नहीं है। इसीलिए उसका होना ना होना एक बराबर है, और इस युग का भी काल लेख मतलब इस युग का भी इतिहास लेखन का कार्य हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इस युग का भी लेखन कार्य जो है वो खुदाई में मिली वस्तुओं के आधार पर ही करते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, प्राक ऐतिहासिक का मतलब जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो, आदि ऐतिहासिक का मतलब लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन वह लिखा क्या है ये हम नहीं जानते, बात समझ रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आदि ऐतिहासिक है और स्टोन एज प्राक ऐतिहासिक है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर पूछता है, ठीक। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ, ठीक। आगे देखिए, 1816 में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल तथा लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया, ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम 1865 में जान लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण तथा नव पाषाण काल में किया। लुबाक बाद में लॉर्ड एबेवरी के नाम से भी जाने गए। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक तथा नव पाषाण काल नियोलिथिक शब्दावलियों का सर्वप्रथम उपयोग जॉन लुबाक ने ही 1865 में किया था, ध्यान रखना। इनकी बुक का नाम है प्री हिस्ट्री टाइम्स, ठीक है। लार्तीत ने पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या निम्न पूर्व, मध्य पूर्व तथा उच्च पूर्व पाषाण काल में किया। आगे देखिए, हस्तपरशु यानी हैंडएक्स एक प्रकार का पाषाण उपकरण के निर्माण में फ्लेक विधि, चापर विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि हैंडएक्स का औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ। हैंडएक्स यानी हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, इनमें क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण भी मिलते हैं। कालक्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है क्या, पूर्व पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, ध्यान रखना, ठीक है ना। डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य तथा लौह युग का त्रियुगीय विभाजन
1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन ने किया। ठीक है, पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया गया है, तीन आधार पर, पाषाण, कांस्य और लोहा। ठीक, आगे देखो, भारतीय पुरातत्ववेत्ता वी एस वकड़कर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ये गुफा है जिसके अंदर पाषाणकालीन चित्र बने हुए हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा। तो ये इसकी खोज किसने करी है, वी एस वकड़कर ने, ध्यान रखना। आगे देखो, अब इतिहास को बेसिकली तीन हिस्सों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल जिसके बारे में मैंने बताया, जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसका लेखन कार्य केवल खुदाई मिली वस्तुओं के आधार पर हुआ है, एग्जाम्पल पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका हमारे पास लिखित सामग्री मौजूद है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी या पठनी है, तो इसका भी लेखन कार्य कैसा होता है, खुदाई मिली वस्तुओं के आधार पर, एग्जाम्पल वैदिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हो, दोनों की दोनों चीज़ें मौजूद हो, ऐसे काल को बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी भगवान बुद्ध के समय से ही प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इनका वर्गीकरण है। ठीक, आगे देखो, आगे और कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको देख लेते हैं। निम्न पूर्व पाषाण युग को उपकरणों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला चापर चॉपिंग या पेबल संस्कृति। देखिए, चापर चॉपिंग का मतलब है काटना और खुरचने से। ठीक है, चापर चॉपिंग सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोन संस्कृति भी कहते हैं। वहीं एल्यूशियन संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। हैंडेक्स को 28 सितंबर 1864 को प्रो किंग ने मद्रास के वदमदुरे और अतरमपक्कम से प्राप्त किया था। हैंडेक्स मतलब हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, ध्यान रखना। वैसे तो कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्ता होता है, लेकिन अगर आप उसे हटा करके केवल हाथ से यूज़ करें तो वो हो जाएगा हैंडेक्स। बेसिकली उस समय की हैंडेक्स पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, क्योंकि हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन है, ध्यान रखना, रॉबर्ट फुटब्रूस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। क्या सवाल आया है पेपर में, ये नहीं आया इसके जनक कौन है, पेपर में ये आया है रॉबर्ट फुटब्रूस किससे संबंधित थे, तो ध्यान रखना ये कोई इतिहासकार नहीं है, ये जियोलॉजिस्ट थे, एक भू सर्वेक्षक थे। ठीक है, याद रखना, रॉबर्ट बुश फुट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरण को प्राप्त किया जो कि क्वार्ट्जाइट पत्थर से बना हुआ था। आगे देखिए, डी 13 के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज टीम के अभियान ने 1935 में सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण शोध किया। बेलन घाटी में शोध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीआर शर्मा के निर्देशन में किया गया था। इस घाटी में लगभग 44 पुरातत्व स्थल पाए गए जो निम्न पुरापाषाण काल से जुड़े हुए हैं। बेलन घाटी जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है, बेलन, उसके किनारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी तक मिल जाती है। यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोजों के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी को भारतीय प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से भी इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। मध्य पूरा पाषाण काल को पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट आज के वीडियो के लिए, सिहावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरा स्थल है। संघावो गुफा मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने बात की पाषाण काल की। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, और फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज बना करके आपको सारी की सारी हिस्ट्री कवर करवा दी जाएगी। तो आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि इससे प्रॉपर नोट्स मेकिंग करिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आरओ परीक्षा में आपको इतिहास से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।